हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम त्रिगुन्स किचन। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है प्याज के पराठे, और इसे बनाने में मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है। कई बार जब हम ये पराठे बनाते हैं तो इसकी स्टफिंग बाहर निकल जाती है और पराठे उतने टेस्टी नहीं लगते हैं खाने में, तो मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल किया है उससे सारी स्टफिंग जो है पराठे में ही रहेगी और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी स्टफिंग जो है पराठे के अंदर ही है। तो चलिए बना लेते हैं ढाबा स्टाइल प्याज के पराठे। प्याज लिया है मैंने, अच्छी तरह से छील के इसे धो लिया है और इसे सेंटर से कट कर लिया है। जो इसका ये हार्ड पोर्शन होता है उसे काट के मैंने निकाल दिया है, और प्याज को इस तरह से रख के पतला पतला कट करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम स्लाइसेस में काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वैसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पतला भी कट करेंगे तो प्याज बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा और स्टफिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें मिलाऊंगी मैं ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च, और बेसिक से मसाले हैं ये। ये मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ये ज़ीरा पाउडर है, ये हल्दी है, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये पनीर और घी है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे पराठों को बनाने में। तो यहाँ पे मैंने पनीर को क्रम्बल कर लिया है, और ये है देसी घी जिससे हम प्याज के पराठे बनाएंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने गेहूँ का आटा, तो इसे सबसे पहले हम गूंथ लेते हैं और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे पराठे बनाने के लिए। स्टफिंग वाले पराठे के लिए जो हम आटा लगाते हैं वो रोज़ के जो हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट कर लेना है आटे को, गूंध लेना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे आटे को इकट्ठा कर लिया है और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक गूंध के सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे गूंध लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, चिकना हो चुका है। तो इसे मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर सेट होने के लिए। उसके बाद हम तैयारी करेंगे स्टफिंग की। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच तेल डाले हैं, तेल इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि बाद में स्टफिंग ऑयली हो जाएगी। हरी मिर्च डालिए सबसे पहले जब तेल गर्म हो जाएगा, तो फिर इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद ये सारे कटे हुए प्याज जो हैं इसमें मिला देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है ताकि जो प्याज में जितना भी मॉइस्चर होता है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो लगभग ख़त्म ही हो चला है। प्याज को फ्राई करते वक्त इसे डार्क नहीं करना है, बस इसका हल्का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब इसमें मिला देंगे सारे मसाले। 1/2 टीस्पून से कम मैंने हल्दी डाला है, 1/2 टीस्पून ये है ज़ीरा पाउडर। अब मैं मिला दूंगी इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें मिला दूंगी टेस्ट के अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने मिला दिया है, और बस 2 से 3 मिनट के बाद ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और ये देखिए सारे मसाले पक जाने के बाद इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, और बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है मैंने ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो बना रहे पराठों में। और इसे निकाल देंगे एक अलग से बर्तन में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसकी स्टफिंग हम कर पाएँ। और इसे अच्छी तरह से ठंडा करके ही स्टफिंग करना है, तो आप चाहे तो इसे फ़ैन के नीचे भी रख के जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। स्टफिंग जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और ठंडी स्टफिंग में इस पनीर को मिलाएँगे, और इसी ट्रिक का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इस प्याज के पराठों को बनाने में, ताकि जब हम प्याज की स्टफिंग करें पराठों में और उसे बेलें तो स्टफिंग बाहर ना आए और पराठे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हों। और बहुत थोड़ा सा पनीर इसमें डालना है ताकि एक प्याज में पकड़ आ जाए, एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए प्याज और पनीर की। प्याज को तो हम मैश कर नहीं सकते हैं और वो अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा सा पनीर डालने से इसमें बाइंडिंग आ जाती है और स्टफिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है और आटा भी सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने सूखा आटा लिया है डस्टिंग करने के लिए, और इस साइज़ की लोई कट कर ली है। तो ये जो लोई को मैंने कटोरी का शेप दिया है और इसमें मैं स्टफिंग करूँगी। इस तरह से कटोरी का शेप देने से लोई को स्टफिंग बहुत ही आसानी से होती है, और दोनों साइड से इस तरह से रोल कर दूँगी और लॉक कर दूँगी। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया है, और इसे हम हल्का सा डस्टिंग कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डो है परफेक्ट तैयार हुआ था, और स्टफिंग भी बिल्कुल सही बनी है, तो पराठे बेलने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही है और स्टफिंग थोड़ी सी भी बाहर नहीं आ रही है पराठों से। तो इस तरह का अगर आप ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो पराठे बिल्कुल सही बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे।
तो मैंने तावे को ग्रीस कर दिया था घी से और पराठे को डाल दिया है। और एक साइड से मैं यहाँ पे घी लगा दूँगी और घी जो है पराठे के पीछे साइड में भी धीरे धीरे डालते रहना है, इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो एक साइड से ये फ्राई हो चुका है तो इसे मैं टर्न कर दूँगी दूसरे साइड और यहाँ भी हल्का सा घी लगा दूँगी। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो चुका है और बहुत ही अच्छा पराठा बना है। और इसे निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट में। अब यहाँ पे मैं दूसरा पराठा बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी कि इस साइज़ का पराठा मैंने बनाया है और उसकी थिकनेस ये है। तो आप इससे मोटा पराठा ही बना सकते हैं, बड़ा पराठा ही बना सकते हैं, ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हैं, लोई ज़्यादा बड़ी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पराठा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पराठे में भी घी लगा दिया है और दूसरे साइड इसे टर्न कर दिया है और इस साइड में घी लगा के इसे बिल्कुल क्रिस्पी कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। बहुत ही पराठे टेस्टी और यमी बने हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो ट्रिक मैंने आपको बताया है डो किस तरह का तैयार करना है, स्टफिंग में अगर हम थोड़ा सा पनीर मिला देते हैं तो स्टफिंग में थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है और बहुत ही आसान हो जाता है प्याज का पराठा बनाना। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे पराठों को बना लूँगी और सभी पराठे देख रहे हैं कि यहाँ फूल चुके हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पराठे बने हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये पराठा बना है। आप इसे तेल या बटर से ही बना सकते हैं, तो मैंने इसे देसी घी से बनाया है। तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और इस पराठों को मैंने सर्व किया है दही के साथ, जिसमें मैंने तड़का लगाया है। तो दही तड़के के साथ ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इस ट्रिक के साथ आप प्याज के पराठे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।